इतनी परेशानी होती है घर जाने में, कौन सा गांव है? यही बंसनगर है। हाँ, स्कूल से आने में कितनी परेशानी होती है ट्रकों की वजह से? बहुत परेशानी होती है, वहाँ पर आगे भी तो रोड बहुत खराब हो गया। कितने दिनों से है? बहुत दिनों से है। क्या चाहते हैं, जैसे आप पढ़ रही हैं आपको तो क्या मांग करना चाहती हैं अपने क्षेत्र के? यही करना चाहती कि रोड ही मतलब सही हो जाए, बने। आपका जनता का राज में स्वागत है। आप देख रहे होंगे पीछे कुछ ट्रक जो फंसे हुए हैं, जेसीबी दिख रही होगी। ये मलवा रोड है, सीधे यहाँ गरौठा की तरफ जाएंगे और यहाँ से बेतवा नदी में एक किलोमीटर बेतवा नदी का यहाँ खनन होता है और ये ट्रक चीख चीख कर दे रहे हैं भरे हुए ट्रक। और यहाँ पर आम जनता के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। ये आपको मुख्य सड़क दिखेगी लेकिन ये पगडंडी से ज़्यादा मच चुकी है। अब ये इतनी परेशानी है, आज एक लड़के का एक्सीडेंट भी हुआ। क्या क्या परेशानी? नौ टांके लगे उसको। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ट्रॉली पलट गई, निकल गया की इस वजह से परेशानी हुई है। अच्छा, नहीं तो ये ट्रक जो निकलते हैं कितने ओवर लोड जाम है? जाम लगा चुके ना, कम से कम 100 ट्रक निकलते पड़ रहे। तो किस किस को बताए हैं, कोई अधिकारी को दिए हैं सूचना? नहीं, एक बार दी थी, टोला से दी थी। क्या चाहते हैं? या तो सड़क बने या ट्रैक में ओवरलोड बंद हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण सिंह है जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी, कि जो ये सड़क टूटी हुई है इसको कृपया जल्दी ठीक कराएं, और जो ये ओवरलोड ट्रक चलते हुए हैं इनको जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए। अच्छा। क्योंकि इसमें जान माल का कभी भी नुकसान हो सकता है। आप देख रहे हैं ये आज सवेरे एक गाड़ी पलट गई, ठीक है, एक वो ट्रॉली वहाँ पलट गई, एक बच्चा पलट गया जिसके सर फट गया पूरा का पूरा, उसमें कम से कम 9 टाके लगे हुए, तो इसका कौन जवाब देगा? जनता को तो कोई इसका वो लाभ है नहीं। जो किसको लाभ है? किसको लाभ है? जो खनन करता है उसको लाभ है, और जो इसमें भागीदार होंगे उनको लाभ होगा, नहीं तो कोई सुन ही नहीं रहा। एडीएम साहब को फ़ोन मैंने 3 बार किया है, अभी एडीएम साहब ने फ़ोन भी एक भी बार पिकअप नहीं किया है। अच्छा। मैंने जो अपने सभासद हैं यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष से अभी करता हूँ बात। हाँ। थोड़ा बच्ची आ गई है इनसे, बेटा रुक जाओ। कितनी परेशानी होती है घर जाने में, कौन सा गांव है? यही बंसनगर है। हाँ, स्कूल से आने में कितनी परेशानी होती है ट्रकों की वजह से? बहुत परेशानी होती है, वहाँ पर आगे भी तो रोड बहुत खराब हो गया। कितने दिनों से है? बहुत दिनों से है। क्या चाहते हैं, जैसे आप पढ़ रही हैं आपको तो क्या मांग करना चाहती हैं अपने क्षेत्र के? यही करना चाहती कि रोड ही मतलब सही हो जाए, बने। स्कूल टाइम से आप आते हैं, ड्रेस वेस भिड़ जाती है क्या? देखें ये बच्चियों के, और ऐसे में कितने लोग आते हैं यहाँ? काफी लोग आते हैं। और कौन कौन गांव के? और मलवा से आते, बहर से आते। क्या नाम है बेटा? हमारा पूजा नायक। पूजा नायक नाम है। तो ये देखें बच्चियों की ड्रेस बढ़ जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, कैसे में पढ़ने जाती हैं, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग हैं, कुछ गाड़ी के ड्राइवर खड़े हैं। ये पूरा आपको दिखेगा 2 किलोमीटर तक जाम है। ये एक गाँव नहीं है, इस गाँव इस सड़क में मुख्य रूप से सबसे पहले मलवा पड़ जाएगा, फिर रेडकोट पड़ जाएगा, बहर पड़ जाएगा, उसके बाद बरेल पड़ जाएगा, और मुस्करा की भी रास्ता है, आगे बहुत सारे गांव लगे हुए हैं। कुछ ये जाए लगभग एक दर्जन से अधिक गांव। एक दर्जन से अधिक गांव बिल्कुल है। एक दर्जन से अधिक गांव है, उनके प्रधान हैं, उतने गांव की जनता है, कोई विरोध नहीं करता है? कैसे कोई विरोध? ये विरोधी तो कर रहा है, जनता विरोध कर रही है। अभी तक तो जनता सहती आई है, जब जनता के बाहर हो गया है बिल्कुल कि अब सहन नहीं हो रहा है, तब जनता सड़क पे आई है। जब आप अधिकारियों की बात करते हैं, आपने एसडीएम साहब को जैसे कहा है, आपने फोन लगाया है, जनप्रतिनिधि कितना ध्यान देते हैं? जनप्रतिनिधि जी को फोन किया था मैंने, वो उन्होंने अभी आश्वासन दिया है मैं पहुंच रहा हूं। अच्छा जी। निजात समस्या से मिल पाएगी? अब मिल पाएगी, या तो आने पर पता चलेगा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। वैसे भी ये सड़क इतनी खराब थी, लेकिन जब से ये ओवरलोड ट्रक निकले हैं, सड़क पूरा आपको दिखेगा नहीं कि ये सड़क है, पूरा मलबा यहाँ पे ये जेसीबी से धक्का लगा के ट्रक निकलते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बता दिया ना, ओवरलोड निकलते हैं सब ट्रक, पूरी सड़क यहाँ से कुछ ज़्यादा कम खराब है, पूरी सड़क ध्वस्त पड़ी है। या तो क्या, या तो रोड बने या ट्रक बंद हो, काफ़ी परेशानी है, लोग बाग सब फंस रहे हैं, जो पैदल चलने लायक नहीं रही, और गाड़ी चलती थी पहले नहीं चल रही, इस पर मोटरसाइकिल निकल जाती है? नहीं जी, ना मोटरसाइकिल नहीं निकलती है, और चार पहिया वाहन तो निकलता कैसे, सारा चैम्बर घटता जा रहा है ट्रकों का, फिर भी नहीं बंद कर रहे, ना चला रहे हैं। सर कैसे कोई डिलीवरी बीमार हो जाए, कैसे पहुंचते हैं अस्पताल? कैसे पहुंचेंगे गए आप बताएं, कैसे पहुंचते हैं? आप तो जैसे गांव से जुड़े हैं। हाँ, गांव से जुड़े हैं, या तो घूम घाम के आएंगे वहाँ से, या सीधी तो निकल नहीं सकते, नहीं निकल सकते ना, कोई रात बिरात बीमार हो जाएगा तो क्या है,
कंधे पे लाद के थोड़ी आएंगे, जब वाहन नहीं चलेगा, इसलिए चल रहा है। आपका क्या नाम? अर्जुन। अर्जुन, क्या कहना चाहते हैं सड़क को लेके, जो ट्रक पूरी तरह से जाम मचाए हैं? ये बालू खाना के बारे में कहना चाहते हैं। बताओ। ये रास्ता है, डामर तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है आपको? देखो। नहीं नहीं, वो पूरी सड़क धस गई है, और वैसे भी सड़क पहले टूटी थी। रात में 11 बजे से गाड़ी फंस रही है यहाँ पर। अभी क्या बज गए? अभी दिन का दोपहर हो रहा है, 12 बज गए। हाँ बताओ लो, रात के 11 बजे दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी लोग गाड़ी निकली नहीं है, प्लस प्रशासन कोई आया नहीं। आप कहाँ से हैं? यही मोहल्ले से। मोहल्ले से? मलवा रोड से। परेशानी बताएं, जैसे काका बच्चे स्कूल जाने में, आप सवेरे से गाड़ी बच्चों की आई नहीं है, मोहल्ले के कोई बच्चे नहीं गए, कोई स्कूल नहीं गए ना, कोई नहीं। तो हालात ये हैं, मैं हमीरपुर जिले के राठ में हूँ, और राठ में ये गरौठा रोड है, आपको दिखेगा, यहाँ से खनन हो रहा है, और खनन इतना ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, ना तो खनन अधिकारी सुध ले रहे हैं, ना SDM सुध ले रहे हैं, और जनता चीख पुकार मची है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है। बेटा रुक जाओ, ये गाड़ियाँ स्कूल के पीछे आ रही हैं। क्या नाम है बच्ची? नाम बताओ अपना। नाम बता दे बेटा अपना। नाम राधा। राधा कहाँ से हैं? मलवा से। सड़क परेशानी होती है स्कूल जाने में? नहीं होती है परेशानी? रोड खराब है? समझ नहीं पा रही है। बताना रोड खराब है? डरो नहीं, डरो नहीं, बताओ। अगर परेशानी होती है, ड्रेस भर जाती है, कपड़े आपके देखें कैसे गंदे हैं, ट्रक से निकल पाते हैं, साइकिल नहीं निकल पाती? नहीं निकल पाती, वही पूछ रहे हैं। थोड़ा समझ नहीं पा रही थी बच्ची, ये गाड़ियाँ भी देखें विद्यालय की। निकल जाओ बेटा थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, आप रुक जाओ, आपका तो डेली का काम है। कितनी परेशानी होती है बच्चों को? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। गाड़ी बंद कर लें। अरे क्या कहते हैं, जैसे गाड़ी अब ट्रक से तो यहाँ बाइक निकलना मुश्किल है, कैसे आप अपनी गाड़ी ले जाएंगे? अब जगह रोड जैसे ले जाएंगे, ले जाएंगे आगे तो पूरी फंस जाती। कभी कभी टाइम से पहुँच पाते हैं बच्चे? नहीं पहुँच पाते। फंस जाती गाड़ी, कहाँ से पहुँच पाएंगे टाइम से? कमियाँ बहुत हैं, खामियाँ बहुत हैं। ये बच्चे देखेंगे, अब अगर ये इतने मासूमों को ले जा रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी का काम है, और ओवरलोड ट्रक हैं, कहीं किसी का कोई हादसा हो जाए, जबकि एक हादसा भी आपको बताऊंगा आगे हुआ, एक बच्ची को नोटा के आए हैं, बच्चे को कोई ट्रॉली गिर गई है। तो ये सड़क ख़राब होने की वजह से इतनी समस्याएं हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे, निजात नहीं हो नहीं पा रहा लोगों का, और ये मासूम लटके हुए चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कम से कम प्रशासन, जनप्रतिनिधि और खनन अधिकारी इस चीज़ पर या तो ये सड़क बने, और जो आपका नियम है, नियम के बाहर ट्रक ना निकलें। ये कम से कम चैनल के माध्यम से हम आ जनता की बात रखते हैं। आप देख रहे थे जनता का राज, और बताएं इस समस्या से आप कितने परेशान हैं। अगर आप भी इस क्षेत्र के हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।